News 18, India. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से मिल रही बड़ी खबर की बात करते हैं। बहुमत मिले बिना ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चुनाव में जीत का दावा ठोक दिया है और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों को न्योता तक भिजवा दिया है। अब तक के नतीजों में इमरान खान के समर्थन वाले उम्मीदवार सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आपको ये भी बता दें कि नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ सरकार बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए बताया ये जा रहा है कि दूसरे दलों को भी न्योता उनकी तरफ से भेज दिया गया है। कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम जरूर बजरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। नवाज शरीफ गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सभी 266 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अब तक 233 सीटों के नतीजे ही घोषित किए हैं, तो ये जो देरी हो रही है इससे आम जनता में आक्रोश है। 95 निर्दलीय उम्मीदवार अभी तक जीते हैं जिनको इमरान खान की पार्टी का समर्थन है। और आपको बताएं कि इमरान खान मैदान मारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद उसके नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN अब तक 64 सीटें अपने नाम कर पाई है। बिलावल भुट्टो की पार्टी की बात करें, PPP ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब पाकिस्तान में 3 दिन पहले वोट डाले गए थे, लेकिन वोटों की गिनती अभी तक भी पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी वजह से वहां के लोग गुस्से से फट पड़े हैं। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना चुनाव में धांधली करवा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर नतीजे घोषित नहीं कर रहा ताकि वो नतीजे बदल सके और वहां की सेना के पसंदीदा उम्मीदवार को जिताया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह लोग सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। PTI ने आरोप लगा दिया है कि पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी और 4 लोगों की इसमें जान भी चली गई है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है। 3 से 4 दिन बीत चले हैं, लेकिन अभी भी 3 दिन पहले देखिए वोट डाले गए थे, लेकिन वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। अलग अलग तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और लाहौर की तस्वीर एक आप देख लीजिए, पाकिस्तान के लाहौर के, जहां पर उम्मीदवार से ही झड़प हो जाती है। बताया ये जाता है कि सियालकोट में तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों पर आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग भी उतरे और उनका गुस्सा यहाँ पर देखने को मिला। इमरान के इतने समर्थकों की जीत दर्ज करने के बहुत अहम मायने हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेना को अपने मोहरों के लिए जीत नहीं मिलती है तो सेना संसद पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 1970 की तरह पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है। तो आसार यही नजर आ रहे हैं गृह युद्ध के। पाकिस्तान की जनता सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है, यानी हालात वैसे ही हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान में 1971 में थे, जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश तक नया देश बन गया था। लेकिन अगर पाकिस्तान की सेना चुप रहती है तो इमरान खान का राज लौटेगा और नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है। अगर इमरान खान की पाकिस्तान की सत्ता में री एंट्री हो गई तो वहां सेना का दबदबा कम हो जाएगा और इसे रोकने के लिए वहां सेना एक बार फिर तख्ता पलट कर सकती है।